हमारे स्टार्टअप का नाम एक्टिकल है और ये अल्मोड़ा बेस्ड है और बेसिकली इसकी एक ब्रांच लोहाघाट में भी है। मिलिए सोनम पांडे से जो मूल रूप से लोहाघाट की रहने वाली है, जिन्होंने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलकर पहाड़ी क्षेत्रों के छात्रों को कोडिंग सिखाने का बीड़ा उठाया और अपने स्टार्टअप की नींव रखी और नाम दिया एक्टिकल। मेनली हमारा विजन ये था कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चों को कोडिंग सिखाया जा रहा था, सो जस्ट वी थॉट कि क्यों ना हम अपने रूरल एरियाज पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को हम लोग इजीली मतलब इन इस चीज़ को हम दैट उनको अवेलेबल करवाएं, जैसे कि कहीं पे नेट कनेक्टिविटी का इश्यू होता है, बच्चों को मतलब ऑनलाइन वो नहीं कर सकते कनेक्ट, तो वहाँ पे वो इजीली मतलब ये चीज़ सीख सके। तो यहाँ से हमारा ये जो जर्नी था स्टार्ट हुआ। बेसिकली मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से है, देन मेरा एमटेक है ऑन इरीगेशन इंजीनियरिंग, बट एंड उसके बाद मैंने 3 ईयर्स जॉब किया एज अ टीचिंग किया था मैंने, बट उसके मतलब मेरा पहले से इंटरेस्ट था ऑन दैट कोडिंग थिंग। सो ऑन माय इनिशियल इयर्स मैंने यहाँ पे को पहले मतलब पाइथन से मैंने स्टार्ट किया, जस्ट आई वाज लर्निंग, तो ऑन दैट टाइम मुझे आइडिया आया, मेरे पास कुछ ऐसे कॉल्स भी आ रहे थे फ्रॉम सम कंपनीज कि आप यहाँ पे को टीचिंग करिए, समथिंग लाइक दैट। सो ऑन दैट टाइम आई थॉट कि क्यों ना मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ, और क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है एंड आई एम लर्निंग ऑल्सो, सो क्यों ना मैं यहाँ पे को अपना कुछ ऐसा क्रिएटिव करूँ। सो वहाँ से मैंने अपना यहाँ पे स्विच किया एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। बहुत ही कम समय में 150 से ज्यादा बच्चों को कोडिंग सिखा चुकी सोनम और उनके भविष्य को लेकर बने प्लान को उत्तराखंड सरकार ने भी सराहा और 2021 में प्रदेश में चुने गए टॉप 12 स्टार्टअप्स में एक्टिकल को भी चुना। 2021 पे उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप बूटकैंप चैलेंज आया था जिसपे हमने पार्टिसिपेट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि हमने उसमें बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी जीता, जिसमें हमें 50,000 का पुरस्कार धनराशि हमको मिला, और तो इससे ये करेज हमको इस मिला कि हम इस काम को और अच्छा कुछ करें। सो आफ्टर दैट वी थॉट कि हम बच्चों को तो सिखा ही रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ के यूथ को जो कि यहाँ से पलायन कर जाते हैं, तो हम उनको क्यों ना हम रिवर्स माइग्रेशन करें और यहीं पे रह करके अपना जॉब करें, यहाँ के मतलब अच्छे वातावरण पे वो लोग रहें जहाँ पे कि मतलब बहुत अच्छा हमारा इन्वायरमेंट है। सो हमने फिर यहाँ से अपना दैट प्रोजेक्ट वाला वर्क हमने शुरू करा। हालांकि सोनम छोटे बच्चों के विकास और उनमें टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने पर काम कर रही थी, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब हमने स्टार्टअप को स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात तो अवेयरनेस कि बेसिकली कोडिंग क्या होता है, कई सारे लोगों को मतलब ये पता ही नहीं था, एंड तो हमने कुछ कैंपेन्स यहाँ पे चलाए जिसको हमने ओवरकम करने के लिए हम विलेजेस पे गए एंड स्कूल्स पे गए, लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि इसका बेनिफिट उनको फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज आने वाला टेक्नोलॉजी अभी भी आप देख रहे हैं AI का टाइम है, सो मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे हम लोग यही चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर बच्चा क्यों ना बचपन से अगर सीख जाएगा तो बाद में जाके ये नहीं सोचेगा कि उसे करना क्या एग्जैक्टली, तो एक उसके पास स्किल ऑलरेडी डेवलप होगा। लोहाघाट से शुरू हुई जर्नी को सोनम अल्मोड़ा तक लेकर आई। हम लोग स्कूल्स पे गए थे तो वहां से हमें कुछ रजिस्ट्रेशन मिले एंड विद इन 1 month हमारे पास 20-30 स्टूडेंट्स थे जो लोहाघाट में हमने स्टार्ट किया था। सो उसके बाद हमने वहीं पे को मतलब हम उस एट दैट टाइम 2020 के टाइम पे हमने वहीं पे को अपना लाइक वर्कशॉप्स स्टार्ट करी, लाइक कभी संडेज हॉलीडेज पे स्कूल्स पे जा करके इस तरीके से। सो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30-40 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे एंड देन आई केम हियर अल्मोड़ा और यहाँ पे भी हमने स्टार्ट किया सिमिलरली और यहाँ पे भी हमें मतलब बच्चों का बहुत अच्छा एक मास मिला। अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करने के साथ साथ एक्टिकल अल्मोड़ा में विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम कर युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। जो मेजर प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, दैट इज एन इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी। सो वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं दे आर वर्किंग एट फ्रंट एंड बैक एंड ऑल्सो। सो फ्रंट एंड पे जो हमारा टेक्नोलॉजी पे काम करे दैट इज रिएक्ट
Flutter, Node.js, they are working. And also backend, I am working on a Python. जब मैं यहाँ पे join किया तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं इतने time तक यहाँ रहूँगा basically. तो जब मैं यहाँ पे work करना start किया एंड स्टार्टिंग में सोनम मैम और मैं ही करते थे एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पे वर्क मतलब हमारे एम्प्लॉय बढ़ते रहे तो वैसे हमारा मतलब मन लगते रहा कि ठीक है अभी एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो अब यहाँ से बाहर नहीं जाना है. तो मतलब स्किल हमारी डेवलप हुई तो हम अच्छा सीखा तो इससे भी हमें लगा कि अब हमें बाहर नहीं जाना है और हमें यहीं पर अच्छा लगता है कि बाहर है अपना घर के आस पास ही हमें जॉब मिली है तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है एंड बेटर एनवायरमेंट है. जब वही पैसा आपको दिल्ली बेंगलोर से सेम पैसा अगर यहाँ मिल रहा है तो फिर यहाँ करने में बेटर फायदा है हमारे लिए. तो अब मिलिए अर्निम से जो एक्टिकल के स्टूडेंट है और 14 साल की उम्र में आत्मविश्वास इतना कि एक गेमिंग वेबसाइट पर काम कर रहे हैं. सबसे पहले मैंने सीखी स्क्रैच, फिर एप्लाई, फिर MIT, फिर मैं आया HTML, CSS, फिर पाइथन, फिर अभी रिएक्ट कर रहा हूँ. जो भी हमारे मतलब उत्तराखंड में जो ऐसे बच्चे हैं कि जो सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम लोग यहाँ पे को रोजगार तो दे ही रहे हैं, साथ में हम इंटर्नशिप भी करवाते हैं. तो मैं तो ये चाहूँगी कि जो बच्चे बाहर मतलब जिनको जाना पड़ता है वो बाहर ना जाके यहीं पे उनको एक अच्छा मतलब सैलरी मिले और यहाँ पे अच्छा वो काम करें. सो आने वाले टाइम में जहाँ पे भी मैं यहाँ पे को 10-12 लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये 100 से भी प्लस हो, 200 हो, मतलब वी शुड हैव अ बिग ऑफिस और वहाँ पे हम लोग अच्छा सा कुछ काम कर रहे हैं. सोनम की कोशिश लगातार जारी है और हमारी कोशिश है उत्तराखंड की जमीन से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने में योगदान देने वालों की कहानी अपने दर्शकों तक लेकर जाना. अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें.